अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वनराज अनुपमा के साथ घर के दरवाजे पर बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी अनुपमा वहां से जाने लगती है तो वनराज उसे रोक लेता है। वो अपनी एक्स वाइफ से थोड़ी देर बैठने के लिए कहता है और ये सुनकर ही अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वनराज कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे दर्द दिए हैं। इस पर अनुपमा कहती है कि आपने मुझे बहुत दर्द दिए हैं और मैं इसे भूलना भी नहीं चाहती हूँ। इसके आगे वो ये भी बोलती है कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ और आप भी आगे निकल चुके हैं। और अनुपमा से बात करते हुए वनराज कहता है कि मैं और काव्या आज के समय में जिस स्टेज पर पहुंच गए हैं वहाँ किसी भी पति पत्नी को नहीं होना चाहिए। उसके साथ रहने पर कभी नहीं लगता कि हम दोनों साथ हैं जैसे तुम्हारे साथ लगता था। आज के समय में न तो काव्या खुश है और ना ही मैं खुश हूँ। हम दोनों के बीच इतने झगड़े हुए लेकिन मैं आज भी वही हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे सुकून मिलता है, काव्या मुझे और इस घर को सुकून नहीं दे पाई और आज मुझे लगता है कि काश मैंने गलती नहीं की होती। वनराज की सारी बातें सुनने के बाद अनुपमा भड़क जाती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि अब मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना। आप पीछे देखते हैं तो अच्छे दिन याद आते हैं लेकिन मुझे दर्द याद आता है। भगवान ना करे पुराने दिन वापस आए, और अगर आए भी तो सारे दर्द सुध समेत लौटाऊंगी। तरफ माया अनुज से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेगी ताकि दोनों जल्द ही फ्रेंडली हो जाए। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि माया अनुज के साथ में वॉक करने की बात कहती है, जिस पर अनुज मानता तो नहीं है लेकिन कुछ देर बाद वो माया के पीछे निकल जाता है। इस दौरान दोनों के बीच बीच थोड़ी बात होती है। हालांकि आखिर में माया का सामना रास्ते में एक शख्स से होता है जिसे देख वो डर जाती है।